जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के फौरन बाद बाइडेन कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। अब से चंद घंटों के बाद अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है। खास इसलिए कि जितना विवाद राष्ट्रपति चुनाव में इस बार हुआ उतना कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं देखा गया, लेकिन आज इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में जो बाइडेन पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बाइडेन पहले ही मास्टर प्लान की घोषणा कर चुके हैं। सबसे पहले कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज करेंगे। अमेरिका में मास्क पहनना जरूरी कर सकते हैं। बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर फोकस करेंगे। इमिग्रेशन कानून को फिर से बहाल करेंगे ताकि लोग आसानी से अमेरिका आ सके। इसके अलावा बाइडेन पेरिस जलवायु समझौते पर भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, शपथ ग्रहण के लिए वॉशिंगटन पहुंचे बाइडेन। बाइडेन अपनी पत्नी के साथ वॉशिंगटन पहुंचे। बाइडेन पूरे परिवार के साथ चार्टर्ड प्लेन से पहुंचे। सुरक्षा कारणों के चलते चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया गया है। जो बाइडेन की तरफ से सुरक्षा कारणों के चलते चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल किया गया, उनके साथ उनकी पत्नी भी यहां पर मौजूद रही और अपनी पत्नी के साथ वॉशिंगटन पहुंचे हैं। वॉशिंगटन की बात की जाए तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है और सुरक्षा के सभी मानकों पर फिलहाल खरे उतरने की कोशिश की जा रही है अमेरिकी फौज की तरफ से, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के हिंसा की आशंका पर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। जो बाइडेन की सुरक्षा में 25,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। कैपिटल हिल हिंसा से सबक लेते हुए बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह स्थल को पूरे किले में बदल दिया गया है। वॉशिंगटन समेत अमेरिका के 50 राज्यों में FBI ने ट्रंप समर्थकों द्वारा हिंसा की चेतावनी जारी की है। पूरे वॉशिंगटन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमेरिकी संसद भवन के आसपास के इलाके को बंद कर दिया गया है। जगह जगह फेंसिंग कर दी गई है। 8 फुट ऊंचा बैरियर लगा दिया गया है। पूरे शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। उपद्रवियों से निपटने के लिए खास तैयारियां कर ली गई है। नेशनल गार्ड के हजारों जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से चौकन्नी है। तो अमेरिका में आज नया इतिहास रचने वाला है। शपथ ग्रहण करने के साथ ही कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन जाएंगी। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमेयर शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह में सिंगर लेडी गागा राष्ट्रगान गाएंगी। जेनिफर लोपेज भी परफॉर्मेंस देंगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ओथ सेरेमनी को छोटा कर दिया गया है। पहले 2 लाख टिकट दिए जाते थे, जिसे इस बार 1,000 कर दिया गया है। पहले पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक परेड होती थी, लेकिन इस बार ये वर्चुअल रूप से होगी। सबसे खास बात यह कि बाइडेन बतौर राष्ट्रपति देश के नाम पहला संबोधन देंगे। उसे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक विनय रेड्डी तैयार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में कई सारे ऐसे फैसले लिए जो बहुत ज्यादा विवादित रहे। जो बाइडेन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। इससे पहले अपने कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों की एंट्री पर बैन लगाया। मेक्सिको सीमा पर 3200 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला किया। पेरिस जलवायु समझौते से अलग होकर सबको चौंका दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग रोक दी। अपनी पसंद के जज को नियुक्त कर ट्रंप चर्चा में आए। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे रहे जिसे लेकर ट्रंप के कार्यकाल में काफी विवाद हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।